कंप्यूटर्स का इतिहास। इस वीडियो में हम कंप्यूटर्स का इतिहास के बारे में जानेंगे। 20th सदी के दौरान प्रारंभिक स्तर पर गणना मैकेनिकल कंप्यूटर डिवाइसेस के द्वारा की जाती थी। Move A 4 inches in a plus direction and B 2 inches. The sum is 6 inches. Is worth Abacus, 5 of the lower beads on the same rod. Mechanical computing device tha. When a bead is moved towards the bar, it's considered counting. For example, if a bead on the upper deck and two beads is. 16वीं सदी में एक अंग्रेजी मैथमेटिशियन जॉन नेपियर के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नेपियर की बोन्स अगला डिवाइस था। यह ऑपरेशंस जैसे गुना, मल्टीप्लिकेशन, भाग, डिवीजन, स्क्वायर रूट और विकर्ण में बदलाव को निकालना। स्लाइड नियम 16वीं सदी में एक अंग्रेजी मैथमेटिशियन एडमंड गंटर के द्वारा बनाया गया था। यह ऑपरेशन जैसे जोड़ना, घटाना, गुना और भाग कर सकता है। 1673 में लाइबनिस का गुना और डिवाइडिंग मशीन आए थे जो गुना और भाग दोनों कर सकते थे। 2.5 times 16 equals 40. में जैकार्ड द्वारा पंच कार्ड सिस्टम बनाया गया था। उसके बाद जो भारी रूप से By कंप्यूटर बड़े आकार से बड़े कमरे के बराबर सरल कैलकुलेटिंग मशीन से छोटे हथेलियों के आकार जबकि अधिक शक्तिशाली मशीन ऊंची जटिल गणना करने में सक्षम के बराबर विकसित हो गए हैं। वर्तमान अवस्था से कंप्यूटर्स का विकास कंप्यूटर की जनरेशन के संदर्भ में परिभाषित हुआ है। जनरेशन का एक टेक्नोलॉजिकल विकास या नवीनता के स्तर के रूप में वर्णन है। कंप्यूटर के क्षेत्र में तकनीकी विकास न केवल हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में किए गए सुधार लेकिन सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों में भी किए गए सुधारों को दर्शाता है। आमतौर पर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर आधारित कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स है। कंप्यूटर्स की जनरेशन्स कार्यरत प्रौद्योगिकी प्रथम जनरेशन कंप्यूटर्स 1942-1956 वैक्यूम ट्यूब्स दूसरी जनरेशन कंप्यूटर्स 1956-1963 ट्रांजिस्टर तीसरी जनरेशन कंप्यूटर्स 1964-1971 इंटीग्रेटेड सर्किट्स चौथी जनरेशन कंप्यूटर्स 1971-वर्तमान VLSI पांचवी जनरेशन कंप्यूटर वर्तमान और आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस